आप देख सकते हो यहाँ का नज़ारा कितना खूबसूरत है। हर तरफ से पौधा ही पौधा, पेड़ ही पेड़। यहाँ पे आप आराम से रिलैक्स कर सकते हो, आकर जब मन चाहे आप आ सकते हो। बेंगलुरु सिटी के अंदर आप कहीं एक्सप्लोर करना चाहते हो तो इससे अच्छा जगह और कहीं नहीं। और फिलहाल अभी हम हैं कब्बन पार्क, जो कि बैठ के घर पे क्या कर रहे हो, चले आओ कब्बन पार्क पे मस्ती करने, एंजॉय करने। अभी हमें एक परफेक्ट स्पॉट ढूंढना है बैठने के लिए, और हमारे ख्याल से ये वाला परफेक्ट होगा। यही बैठ जाए यहाँ पे, ये यहाँ पे ये भी बैठते ना। घर से कुछ बना कर लाने का टाइम नहीं मिला, पर हम कुछ लेकर आए हैं। इसको मैं अलग से रख देती हूँ, डस्टबिन में फेंक दूँगी। यहाँ वहाँ कचरा करना अच्छी बात नहीं है। क्या बोलता है स्वच्छ भारत मिशन अभियान, मतलब यकीन नहीं हो रहा है। ये जगह जो है सिटी के पूरा सेंटर पे है, और यहाँ मतलब इतना सुकून है यहाँ पे ना, कहीं आपको कुछ आवाज़ें आ रही है। जहाँ तक हमें सुनाई दे रहा है बस बर्ड्स के आवाज़, और बस यही नेचर का जो एक फ्लो होता है ना, वही सुनाई दे रहा है बस। और एंट्री की बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल फ्री है, कोई आपसे पैसा नहीं लेगा, है ना। हाँ, तो यहाँ पे आपको डस्टबिन मिल जाएगा। बेहतर होगा कि आप जो भी लाओगे खाने के लिए आप डस्टबिन पे फेंके। ऐसे इतने अच्छे माहौल को आप मतलब बिगाड़िए मत। कई कई कुछ लोग होते हैं जो कुछ खाते हैं यही फेंक के चले जाते हैं, तो ये अच्छा नहीं लगता। इतना खूबसूरत माहौल है, आपको दिखाता हूँ, आप बस देखो। ऐसा जगह चारों ओर बस फूल और फूल है, छोटे छोटे फूल। तो मैजेस्टिक के फूल की बात करें, हाँ, मैजेस्टिक के बहुत पास है। आप मैजेस्टिक से होते हुए आ सकते हो। पता नहीं आज हमारा वक्त कैसे कैसे बीत गया। हम आए थे 11:30 को, अब कुछ बजा है कितना, 3 बज चुके हैं। हर किसी को मैं देख रही हूँ, वो लोग घर से कुछ बना के लेकर आए या फिर फ्रूट्स वगैरह वगैरह सब मिलके खा रहे हैं, तो आप भी ला सकते हो। ओपनिंग की बात करें तो ये सुबह 6 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक खुला रहता है, और आप मॉर्निंग वॉक पर भी आ सकते हो। हाँ, आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हो यहाँ पर। और एक बात, यहाँ पर हमने देखा काफ़ी लोगों को खाना लेके आते हुए, तो आप खाना घर से बना के यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हो, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो यहाँ पे। काफ़ी हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है यहाँ पे। तो अगर आप आ रहे हो और फैमिली प्लानिंग करके, तो अगर आपकी फैमिली यहाँ पे आने का प्लान कर रहे हो तो आते वक्त आप बेडशीट लेते हुए आए या मैट लेते हुए आए, तो उससे क्या होगा, आप आराम से लेट के चिल कर सकते हो, सो सकते हो। क्योंकि यहाँ पर क्या है, ज़्यादा हर जगह घास फूस है, तो आप घास फूस में तो सो नहीं पाओगे। तो काफ़ी बग्स वगैरह भी है, तो इसे अवॉइड करने के लिए आप बेडशीट लेते हुए आए और आराम से एंजॉय करें। हमारा प्लान है आज पूरा दिन बिताने का, और वक्त कैसे बीत गया उसका तो कुछ पता ही नहीं है। अगर गर्मियों से आप छुटकारा पाना चाहते हो तो इससे अच्छा जगह और कहीं नहीं। और ये जो लोकेशन है ये बेंगलुरु के एकदम सेंटर पे है, सिटी के पूरा सेंटर है। यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करने को मिलेगा। लगाओगे वो देखो वहाँ पे लाल फूल है। ओके सो अभी पार्क से थोड़ा दूर, मतलब पार्क के अंदर ही आपको एक बच्चों का खेलने का एक छोटा सा एक चिल्ड्रन पार्क मिल जाएगा। सो एंट्रेंस का पड़ा हमें 20 रुपये पर पर्सन का, और ट्रेन का हमें पड़ा कुछ 30 रुपीज़ पर पर्सन। यहाँ बोटिंग भी है तो ऑप्शनल है, आप बोटिंग भी ले सकते हो, ट्रेन भी ले सकते हो। तो हमने सिर्फ ट्रेन का लिया है क्योंकि बोटिंग तो हम लोग पहले भी बहुत बार चढ़ चुके हैं। यहाँ पे एक बात बहुत अच्छा है, आप जो भी राइड करोगे सिर्फ 30 रुपीज़ आपको पे करना है पर पर्सन के हिसाब से, जो भी आप राइड करोगे। 2%। कैसा लगा? थोड़ा लाइफ में डेयरिंग भी करना चाहिए। ओके, तो आप सभी से इंट्रो कराते हैं इनसे। ये है हमारे बचपन के दोस्त सागर दास। हाय हाय, हाउ आर यू गाइस? होपफुली इसके चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट जितने भी हो सके दे डालो, बस दे डालो। थैंक यू। तो आज का ब्लॉग हमारा यही भी ख़त्म होता है और उम्मीद है आपको हमारे ये जो ब्लॉग है अच्छा लगे। और आगे आप कुछ कहना चाहेंगे? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। तुम्हारे पास जो है तुम्हारे हिसाब से कम, लेकिन किसी दूसरे की नजर से देखो तो तुम्हारे पास बहुत कुछ। लेक्चर सुनना पड़ेगा। सुनो, जियो, खुश रहो, मुस्कुराओ, क्या पता कल हो ना हो।